Hello, my lovely friends. How is life? Thank you very much for all the love and support that you are giving me. दोस्तों आप जो प्यार और साथ मुझे दे रहे हैं, समर्थन मुझे दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. अच्छा दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली बनी कैसे है और इसमें कैसे दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स आए हैं. ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको बताता हूँ, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो हमारे सामने कई चैलेंजेस आते हैं. उन चैलेंजेस में से दो चैलेंजेस हैं, ग्रामर के कुछ रूल्स और प्रोनंसिएशन के कुछ रूल्स. जैसे मान लेते हैं आपने ग्रामर का कोई रूल सीखा और आपने प्रोनंसिएशन का, उच्चारण का कोई रूल सीखा, और उस रूल को सीखने के बाद आपको लगा कि ठीक है, अब मैं इस रूल के ऊपर काम करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन तुरंत आपको पता चलता है कि उस रूल का के एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं. दोस्तों ये अपवाद क्यों होते हैं, एक्सेप्शंस क्यों होते हैं रूल्स के, और ये बहुत कंफ्यूज करते हैं हमको. इनिशियल स्टेज में जब हम इंग्लिश को सीखना शुरू करते हैं तो हमको बड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश को सीखने में. हाँ, बाद में जब सब कुछ समझ में आ ही जाता है बड़ी मेहनत करने के बाद, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन शुरू में तो बड़ी दिक्कत होती है. दोस्तों ये जो एक्सेप्शंस होते हैं, इनका कारण मैं आपको बताता हूँ. इनका कारण है दोस्तों कि जिन वर्ड्स में वो रूल्स नहीं लग रहे, यानी जो वर्ड्स एक्सेप्शंस हैं, एक्चुअली हो सकता है कि वो वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के हो ही नहीं. अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता है. इंग्लिश में तो कुछ भी पक्का कह ही नहीं सकते कि ऐसा ही होगा. मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि वो वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज के हों. जनरली यही होता है. तो ऐसा कैसे हुआ होगा? इंग्लिश लैंग्वेज जो है दोस्तों, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है. इंग्लिश लैंग्वेज में जो ज़्यादातर वर्ड्स हैं वो ग्रीक और लैटिन के हैं. पहले तो यही बात समझ लेते हैं. और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिनके वर्ड्स इंग्लिश में आए हैं, वो हैं फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पैनिश, यहाँ तक कि अरेबिक और संस्कृत के भी वर्ड्स इंग्लिश में हैं. तो दोस्तों अब जैसे मान लेते हैं कोई वर्ड आज से सैकड़ों साल पहले या हज़ारों साल पहले इंग्लिश में आया, तो उस लैंग्वेज में उस वर्ड को जैसे बोला जाता था, इंग्लिश में उस वर्ड को वैसे ही बोला गया, क्योंकि इनके पास कोई, अंग्रेज़ों के पास कोई दूसरा तरीका तो था नहीं उस वर्ड को बोलने का. तो इसीलिए अब उस, अगर उस वर्ड में प्रोनंसिएशन का वो रूल नहीं लग रहा जो इंग्लिश लैंग्वेज के ओरिजिनल वर्ड में लगता है, तो उसमें वो रूल लगेगा ही नहीं. ये रीज़न होता है. ऐसे ही ग्रामर में क्या होता है दोस्तों, जैसे सिंगुलर और प्लूरल के नियम है. अब बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिर्फ सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिर्फ प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं. ऐसा इसलिए होता होगा या होता है कि उन वर्ड्स में जिनमें ये रूल्स नहीं लगते, जो नॉर्मली इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स हैं, तो वो रूल्स वहाँ नहीं यूज़ होते होंगे जिस लैंग्वेज से वो वर्ड इंग्लिश में आया है. इसीलिए वो वर्ड्स एक्सेप्शंस में चले जाते हैं. तो आप समझ गए दोस्तों. तो आज की क्लास में दोस्तों हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स सीखेंगे जो दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आए हैं, और कुछ ऐसे टर्म्स सीखेंगे जो दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आए हैं. ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी कमाल की क्लास है. आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देख के हर बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि इससे आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझने में बड़ी आसानी होगी, आपके अंदर इंग्लिश की एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको ये पता चलेगा कि हम असल में क्या समझते हैं और असलियत क्या है. तो दोस्तों आज जो टॉपिक है हमारा वो है बोरोइंग एंड कैल्क. तो ये दोस्तों एक टेक्निकल टॉपिक है. बोरोइंग, बोरो का मीनिंग होता है उधार लेना, तो उसी से बना है बोरोइंग, यानी उधार लेने की जो प्रक्रिया है. और कैल्क का मीनिंग मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या होता है. दोस्तों सबसे पहले इसी वर्ड पर आते हैं, बोरोइंग पर. तो ये बोरो किया गया, यानी दूसरी लैंग्वेज से कोई वर्ड अगर इंग्लिश में लाया गया और उसको इंग्लिश में बिल्कुल वैसे ही का वैसा यूज़ किया गया जैसा वो उस लैंग्वेज में था, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में था, इसी को बोरोइंग कहते हैं. तो दोस्तों बोरोइंग, लेकिन ये ऐसी बोरोइंग थी जिसमें वर्ड वापस नहीं गया. बोरोइंग में क्या होता है कि हम जब किसी से कोई चीज़ बोरो करते हैं तो हमको उसको वापस भी करना होता है, लेकिन इसमें तो वापस किया ही नहीं गया, ये लेके रख ही लिया. तो इंग्लिश में ये वर्ड्स हमेशा के लिए शामिल हो गए. तो दोस्तों इसके कुछ एक एग्जाम्पल समझते हैं कि बोरोइंग कैसे हुई थी. अच्छा, उसके भी पहले हमको ये समझना चाहिए कि बोरोइंग के लिए क्या सेंटेंस हमको यूज़ करना चाहिए, या कोई एक छोटी सी डेफिनेशन ही अगर देनी हो तो क्या डेफिनेशन हम दे सकते हैं. तो वो है दोस्तों, टेकिंग ओवर अ वर्ड्स, वर्ड्स को ले लेना फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. तो दूसरी लैंग्वेजेस से जो वर्ड्स ले लिए गए थे इंग्लिश में, इसी को बोरोइंग कहते हैं. कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं. पहला वर्ड है दोस्तों डोप. अब डोप वर्ड कितना हम यूज़ करते हैं अपने बोलने में. डोप की दोस्तों दो तीन मीनिंग होती है. मैं आपको कुछ एक मीनिंग, बहुत सारी मीनिंग्स होती है, मैं आपको दो तीन बताता हूँ. मीनिंग्स तो बहुत सारी हैं, मैं आपको दो तीन बताता हूँ. पहली मीनिंग है दोस्तों इसकी, एक सब्सटेंस होता है, केमिकल मतलब इसको बोल सकते हैं, जो जैसे जो इंडस्ट्रियल काम जो होता है, तो ये एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा सब्सटेंस है जो कोटिंग में हेल्प करता है, जो कोट करते हैं पेंट की, उसमें हेल्प करता है. तो एक तो ये बहुत ही टेक्निकल मीनिंग है.
जो कि केमिकल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। दूसरा वर्ड है दोस्तों, मीनिंग है इसका स्लैंग में, जो इसकी मीनिंग होती है नशे की कोई भी चीज़, और इस मीनिंग में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि डोप है कि नहीं किसी के पास, ऐसे पूछते हैं लोग। तो डोप दोस्तों जो वर्ड है। और तीसरी मीनिंग है इसकी कि कोई भी जो डल इंसान होता है, लेजी, जिसके पास दिमाग नहीं हो, बेवकूफ टाइप का आदमी, उसको भी डोप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये वर्ड कहाँ से आया, किस लैंग्वेज से आया, ये डच लैंग्वेज से इंग्लिश में आया। डच हॉलैंड की भाषा को कहते हैं, जिसका नाम अब द नेदरलैंड्स है, तो वहाँ से दोस्तों ये इंग्लिश में आया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये अब बोलने में आसान है डोप, तो उन्होंने पूरा वर्ड ही ले लिया। अंग्रेज़ों ने कई बार ऐसे भी किया है कि किसी कोई वर्ड अगर किसी दूसरी लैंग्वेज का बोलने में उसको दिक्कत होती है, अगर उस वर्ड को उनको बोलने में दिक्कत हुई, तो उन्होंने उसकी जो मीनिंग थी उस मीनिंग के लिए जो वर्ड बना वो वर्ड उन्होंने शामिल कर लिया। उस पर मैं आता हूँ, वो है कैल्क, उस पर भी आते हैं। तो पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि ऐसे और कितने वर्ड्स हैं। ये तो दोस्तों अनगिनत वर्ड्स हैं, मैं आपको थोड़े से वर्ड्स बता रहा हूँ, जैसे कि आपको ये अंदाज़ा लगे कि एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी और कितनी लैंग्वेज से वर्ड्स इसमें आए हैं। तो डोप दोस्तों डच से आया। उसके बाद है जूअल। जूअल का मतलब होता है ज्वेलरी जो होती है, कोई भी जो ऑर्नामेंट होता है, जो गहने जेवर होते हैं, तो ये वर्ड दोस्तों फ्रेंच लैंग्वेज का है। तो ये बोलने में भी आसान था, मीनिंग भी अच्छी थी, तो इंग्लिश में इसको ज्यों का त्यों वैसे बिल्कुल वैसा का वैसा शामिल कर लिया गया। उसके बाद दोस्तों ग्लिट्सी। ग्लिट्सी का मीनिंग होता है दोस्तों कोई भी चमकीली चीज़, शोई चीज़, दिखावट से भरी हुई चीज़, तो बहुत ही ग्लिट्सी। ग्लिट्स करके आपने सिनेमा हॉल्स के नाम देखे होंगे, या मार्केट में किसी शॉप का या किसी पूरी मार्केट का ही नाम देखा होगा, तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये दोस्तों यिडिश लैंग्वेज से इंग्लिश में आया। यिडिश लैंग्वेज क्या है दोस्तों, ये एक ज्यूइश लैंग्वेज है, यहूदियों की भाषा है, तो उससे इंग्लिश में ये वर्ड आया। अंग्रेज़ों ने पूरे वर्ड को ज्यों का त्यों खुद में शामिल कर लिया। उसके बाद दोस्तों लाइलैक या लाइलक, दो उच्चारण है इसके, ये एक फूल है, और ये वर्ड पर्शियन लैंग्वेज का, पर्शियन का मतलब है फारसी भाषा, जो फारसी भाषा, जो आपने सुना भी होगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहावत भी है, तो फारसी भाषा से दोस्तों ये वर्ड इंग्लिश में आया लाइलैक या लाइलक। तो ये बोलने में भी आसान था, सुंदर भी था, वो फूल भी अंग्रेजों ने कहा कि चलो ठीक है हम ये वर्ड पूरा का पूरा इंग्लिश में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों पियानो। पियानो जो बजाते हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, और मैं भी पियानो सीखना चाहता हूँ। तो दोस्तों पियानो इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश में आया, तो बोलने में भी आसान है, बड़ी खूबसूरत मीनिंग है, बड़ा अच्छा, काफ़ी अच्छा साउंड है, तो इंग्लिश में शामिल कर लिया। और दोस्तों सोफ़ा। सोफ़ा हर घर में होता है, और हमें पता नहीं कि ये एक अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है। जैसे दोस्तों बर्फ़ी हम खाते ना, मिठाई, बर्फ़ी, बर्फ़ी एक्चुअली पर्शियन लैंग्वेज का, फारसी भाषा का शब्द है। बर्फ़ जो है, बर्फ या बर्फ जिसको हिम बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, और इंग्लिश में स्नो बोलते हैं, वो एक्चुअली पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है। तो चूंकि बर्फ़ी मिठाई सफ़ेद होती है, तो इसीलिए उसको हिंदी में बोलने लगे। जैसे मुग़ल आए थे यहाँ पर, तो उनके साथ ये वर्ड आया हमारे देश में, और फिर इसको अब हम हिंदी का समझते हैं, जबकि ये है नहीं। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हमारी भाषा में फिर दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। तो ये वर्ड दोस्तों सोफ़ा, ये अरेबिक से इंग्लिश में आया। उसके बाद है दोस्तों टैटू। अब कितना टैटू, सब लोग करवाते हैं टैटू, सब लोग कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले, कोई भी बड़े बच्चे बूढ़े, सब लोग टैटू करवाना चाहते हैं। ये किस लैंग्वेज से इंग्लिश में आया दोस्तों, ये टहिटन लैंग्वेज से इंग्लिश में आया। टहिटन कौन सी लैंग्वेज है दोस्तों, एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में एक द्वीप है टहिटी, वो फ्रांस के अधीन है, फ्रांस की सरकार ही उसके ऊपर कंट्रोल रखती है, तो वहाँ आदिवासी लोग रहते थे ज़्यादातर। खैर अब तो वो विकसित हो चुके हैं, तो अब वो टैटू करते थे, आदिवासियों में टैटू एक्चुअली उन्हीं की प्रथा है ये टैटू करने की। तो अब ये वर्ड बड़ा ही ट्रेंडी, सब लोग फैशन में आ गया टैटू, तो फिर ये वर्ड इंग्लिश में आ गया, और ये टहिटन लैंग्वेज से ये इंग्लिश में आया। उसके बाद दोस्तों योगर्ट। अब योगर्ट खाते सब लोग, बड़े चाव से खाते हैं, बच्चे भी खूब सब खाना चाहते हैं, बच्चे बड़े सब खाना चाहते हैं। योगर्ट दोस्तों टर्किश लैंग्वेज से इंग्लिश में आया। टर्किश टर्की की लैंग्वेज है, टर्की मतलब तुर्की जिसको हिंदी में बोलते हैं, और तुर्की भाषा यानी टर्किश लैंग्वेज से ये इंग्लिश में आया। और उसके बाद दोस्तों ज़ेब्रा। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, ज़ेब्रा जो जानवर होता है ये बांटू लैंग्वेज से आया इंग्लिश में। बांटू एक अफ्रीकन लैंग्वेज है, अफ्रीका जो महादेश है, जो कॉन्टिनेंट है, उसके एक बहुत बड़े इलाके में जिसमें कॉन्गो वगैरह आते हैं देश, तो वहाँ बांटू भाषा बोली जाती है, और उस भाषा में उस जानवर को, जो ज़ेब्रा है, को ज़ेब्रा कहा जाता है। तो ये बोलने में भी आसान था,
और वो जानवर है भी बहुत खूबसूरत, उसमें धारियाँ होती है बहुत सफ़ेद और काली, तो ये वर्ड इंग्लिश में इस तरीके से आया। तो दोस्तों आपने देखा ऐसे दोस्तों अनगिनत शब्द है, जैसे संस्कृत का एक शब्द है यौगिक, अब यौगिक तो हमारा शब्द है संस्कृत का, बट ये इंग्लिश में भी आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा यौगिक। ऐसे और भी कई शब्द हैं जैसे बाजार, मैं समझता हूँ अरेबिक का ये वर्ड होना चाहिए, तो बाजार यहाँ हिंदी में भी शामिल है, हिंदी की तरह ही हम इसको हिंदी का ही मानते हैं, तो वो भी इंग्लिश में है। जंगल, ये सारे शब्द इंग्लिश में शामिल हो गए। गुरु, तो उन्होंने हर भाषा से, लगभग हर भाषा से उन्होंने शब्द लिए और अपनी लैंग्वेज को विकसित किया। अब अगर हमको जैसे कोई प्रोनंसिएशन का रूल है, तो अब जैसे यौगिक को तो यौगिक ही बोलेंगे ना, अगर उनका कोई ऐसा रूल होगा उच्चारण का जो यौगिक से मेल नहीं खाता होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यौगिक एक्सेप्शन में आ जाएगा, क्योंकि संस्कृत में या हिंदी में यौगिक को यौगिक ही बोलते हैं, तो इंग्लिश में यौगिक ही बोला जाएगा। वो ऐसे उच्चारण के रूल काम करते हैं, इसीलिए कई बार आपकी समझ में नहीं आता होगा कि इसका ऐसा उच्चारण क्यों है, सी एच से च भी क्यों बनता है, श भी क्यों बनता है, क भी क्यों बनता है। इसके ऊपर मेरे वीडियोस हैं, आप मैंने जो आपको प्लेलिस्ट बताई थी लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में ये सारी बातें बताई हैं मैंने। मेरे और भी वीडियोज़ हैं कि सी से कैसे स भी होता है, क भी होता है, श भी होता है, क्या कारण है, जी से ग भी होता है, ज भी होता है, ये मेरे सारे वीडियोज़ हैं, आपको उसी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखने चाहिए, सारी जितने भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स ऐसे थे जो दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आए, ये बात तो समझ में आती है कि उन्होंने पूरा का पूरा वर्ड ही इंग्लिश में शामिल कर लिया। अब उन्होंने दूसरे तरीके से भी शब्द शामिल किए या फ्रेजेस शामिल कर लिए इंग्लिश में, कैसे, उसमें तरीका थोड़ा सा दूसरा था। उसमें उन्होंने क्या किया कि चूंकि जो वर्ड था दूसरी लैंग्वेज का उसको बोलने में उनको दिक्कत होती अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने क्या किया कि उसका इंग्लिश में जो मीनिंग बनता था, जो अनुवाद था, उससे उन्होंने नया वर्ड बना लिया। इसको कहते हैं कैल्क। तो कैल्क होता है दोस्तों लोन ट्रांसलेशन, यानी ऐसा ट्रांसलेशन जो लोन लेके किया गया, यानी कि उस दूसरी लैंग्वेज का जो वर्ड था उसकी जो मीनिंग थी वो अपने में शामिल कर लिया। अगर एक डेफिनेशन के तौर पर एक लाइन में आपसे कहूँ इसके बारे में, कैल्क के बारे में, तो ये है अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन, सीधा सीधा अनुवाद किस चीज़ का और कैसे, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द का जो अर्थ है उसका सीधा अनुवाद कर लिया, ऑफ अ वर्ड इन टू द बोरोइंग लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में उस वर्ड को लिया जा रहा था, यानी कि इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अगर किसी दूसरी लैंग्वेज का कोई वर्ड है उसका जो अर्थ है, अगर उस सीधे अर्थ को यानी अनुवाद को अगर बोरो कर लिया गया, तो इसी को कैल्क कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है सुपरमैन। अब सुपरमैन कॉमिक बुक्स आती हैं, फिल्म भी बनी, सब जाते हैं, बच्चों को बड़ा सुपरमैन से प्यार होता है। सुपरमैन वर्ड दोस्तों इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं, ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं पहले इंग्लिश में, तो फिर कैसे ये वर्ड, कहाँ से ये वर्ड आया दोस्तों? तो एक वर्ड है दोस्तों जर्मन लैंग्वेज का, और वो वर्ड यहाँ लिखा है मैंने, इसको पढ़ेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ। मुझे बहुत जर्मन तो नहीं आती, बट थोड़ी बहुत मैं जानकारी रखता हूँ जर्मन की। तो ये है दोस्तों उबरमेंश, ऐसे पढ़ेंगे उबरमेंश, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड। उबरमेंश का मीनिंग होता है सुपरमैन। तो भाई अंग्रेजों ने देखा होगा उस ज़माने में कि ठीक है, तो बड़ा काफ़ी अच्छी मीनिंग है, तो हम मीनिंग से, तो उन्होंने इसकी मीनिंग, अब चूंकि ये बोलने में दिक्कत होती है उनको, अंग्रेजों को जर्मन लैंग्वेज बोलने में दिक्कत होती है, उबरमेंच थोड़ा सा लंबा चौड़ा वर्ड है, टेक्निकल प्रोनंसिएशन है इसका, एस सी और एच तीनों से मिलकर सिर्फ श बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया इसकी मीनिंग लेकर नया वर्ड बना लिया सुपरमैन। ऐसे दोस्तों दूसरा वर्ड है स्काई स्क्रेपर होता है ना, गगनचुंबी जो इमारत होती है, जो बड़ी ऊंची इमारत होती है, लगता है आसमान को छू रही है, ये वर्ड भी इंग्लिश का नहीं है। हम कहते हैं ना न्यूयॉर्क इज़ फुल ऑफ स्काई स्क्रेपर्स, न्यूयॉर्क में तो गगनचुंबी इमारतें भरी हुई हैं। तो स्काई स्क्रेपर दोस्तों ये भी जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। वोल्कन क्रैत्सर यह लिखा मैंने, ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा है और इसका उच्चारण होगा वोल्कन क्रैत्सर। तो अभी इतना लंबा चौड़ा वर्ड अंग्रेजों ने सोचा होगा कि भाई तो मुश्किल है, इसकी जो मीनिंग है वही हम बना लेते, तो उन्होंने इस तरीके से ये वर्ड इंग्लिश में आ गया। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं सेल्फी, अब सेल्फी तो कोई वर्ड था नहीं आज से कुछ सालों पहले तक, जब तक कि मोबाइल फ़ोन नहीं आया था और मोबाइल फ़ोन में जब तक फ्रंट कैमरा नहीं आया था ये वर्ड था ही नहीं इंग्लिश में, तो ये फिर कैसे वर्ड आ गया? जैसे ये वर्ड आया स्काई स्क्रैपर, तो ये तो फिर भी एक दूसरी लैंग्वेज है। सेल्फी तो पूरा का पूरा बनाया हुआ वर्ड है, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या खुद, तो जब फ्रंट कैमरा आया तो किसी ने अपनी फ़ोटो ली फ्रंट कैमरे से और उसने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया होगा अपनी फ़ोटो, उसने कहा कि मैंने सेल्फ, मेरी खुद की फ़ोटो है, उसने एक नया वर्ड बनाया सेल्फी। ये वर्ड बहुत ही सबके लिए, सबको यूज़फुल लगा और ये यूज़ करने में भी आसान था, तो ये वर्ड देखते देखते वायरल हो गया।
फिर ऑक्सफर्ड डिक्शनरी वालों को ये वर्ड शामिल करना पड़ा अपने डिक्शनरी में. ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में जो वर्ड शामिल हो जाए फिर वो इंग्लिश का वर्ड बन जाता है. इस तरीके से सेल्फी वर्ड इंग्लिश में आया, वरना ये था कहाँ, ये था ही नहीं वर्ड पहले. तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज बनी है. इन बातों को हम समझ करके अगर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करें तो हमारे लिए इंग्लिश को यूज़ करना आसान हो जाएगा. तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको काफ़ी नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के एक नए पहलू के बारे में पता चला होगा. अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगले वीडियो में मैं आपको फिर इसी तरह की कोई बहुत ही अच्छी जानकारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करूँगा. इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको एक वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा. थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय.